क्यों लग रहा है ना इंग्लिश बोलना कितना आसान? बस उतना ही आसान है ये KFC स्टाइल वेज फिंगर्स बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिविकाज किचन। मैं हूँ आयुषी और आज हम आपकी अपनी शिविकाज किचन में सीखेंगे ये बहुत ही यमी दिखने वाले KFC स्टाइल वेज फिंगर्स, जिसे देख के आप KFC के वेज फिंगर्स भी भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ कनोला ऑयल यूज़ किया है। थोड़ा सा हीट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। 1 बड़ा चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे और उससे हल्का भून लेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक जीरा जो है थोड़ा फूल ना जाए और वो पॉप ना करने लग जाए। ये देखिए जीरा जो है बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च 1 भी डाल सकते हैं, पर इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है और हमारे खाने में बहुत रिच फ्लेवर आता है। इसे भी हम हल्का भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का भूनना है। हल्का भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ। इसे भी हम हल्का भून लेंगे। हमें इसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। ये सारा प्रोसेस आपको मीडियम फ्लेम मध्यम आंच पे ही करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। 1 बारीक कटी हुई गाजर, ये बिल्कुल बारीक काटी है ताकि वो बाहर ना निकले वेज फिंगर्स में से। और अमेरिकन कॉर्न्स 1/4 कप, मैंने इसे बॉयल नहीं किया है, इसे एज इट इज़ ही डाला है। इसे इसमें डालने के बाद हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया कलर्स लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपके खाने से भी इतनी ही बढ़िया खुशबू आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका वेज फिंगर कैसा बना। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और नमक स्वादानुसार। अब हम मसाले भी थोड़े से भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मध्यम आंच पे ही अपने मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट लगेगा और हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छे से भून जाएंगे। ये देखिए मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छे से बढ़िया भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 मध्यम आकार के बॉयल्ड पोटैटोज यानी उबले आलू। इसे हम हाथों से बिल्कुल बढ़िया से मैश करके इसमें डालेंगे। आप चाहें तो एक मैशर की मदद से आलू पहले ही मैश कर लीजिए और फिर उसे इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैं कोई भी मोटा पीस इसमें नहीं रहने दे रही हूँ, सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैश कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्टी वेज फिंगर्स बनने वाले हैं। ये देखिए हमारे आलू जो हैं बिल्कुल बढ़िया अच्छे से मैश हो गए हैं, तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो आलू पे बिल्कुल अच्छे से चढ़ जाए और जो आलू है वो बिल्कुल एक सा मैश हो जाए और पक जाए। देखिए आलू ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चीनी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बैलेंस हो जाएं इसमें। इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए जो थोड़े से पीसेस रह गए हैं मैं स्पैटुला की हेल्प से उसे भी दबाते हुए बिल्कुल बारीक कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से पका रही हूँ। आलू अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो घर में ही ब्रेड को मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं या मार्केट से भी ब्रेड क्रम्स का पैकेट खरीद सकते हैं। ये देखिए इसे डालने के बाद भी हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। घर में कोई ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो, ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की आइटम है। इसे बना के आप 15 दिन के लिए स्टोर करके बड़े आराम से रख सकते हैं। जब मन करे तब निकालिए, फ्राई कीजिए और आपके सामने गर्मा गर्म बढ़िया स्नैक्स बनके तैयार हैं। ये देखिए हमारे आलू बन गए हैं, तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम उसे अपने हाथ से बिल्कुल बढ़िया से पूरी प्लेट पर फैला देंगे और प्लेट को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे।
ये देखिए प्लेट अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसमें सारा जो हमने मसाला बना के रेडी किया है वो इसमें निकाल देंगे। ये देखिए अब हम एक स्पैटुला की हेल्प से उसे दबाते हुए प्रॉपर शेप देंगे। हम उसे स्क्वायर शेप देंगे क्योंकि हमें उसे फिंगर शेप में काटना है। ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है। तो अब हम इसे एक एल्यूमिनियम फॉइल से प्रॉपर ऊपर से बिल्कुल प्रेस करते हुए उसे चिपकाना है और प्लेट को प्रॉपर अच्छे से कवर करना है। हमें इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए छोड़ना है ताकि जब ये फ्रीज़ हो तो बीच में पानी के ड्रॉपलेट्स ना जाएं, इसलिए ऊपर से प्रेस करके इसे मसाले के साथ चिपका दीजिए। ये देखिए अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा मटेरियल फ्रीज होता है चलिए घोल बना के तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर हम इसमें डालेंगे। इसे डाल के हम थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला घोल तैयार नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा घोल ही तैयार करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत ऐड कर दीजिएगा वरना हमारा घोल पतला हो जाएगा और हमारे वेज फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से घोलिएगा। थोड़ा पानी डाल के घोलना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसके लम्प्स ना बने और ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे बढ़िया से घोल लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई पार्टी हो ओकेजन हो ये रेसिपी बहुत बढ़िया लगती है, सबको बहुत पसंद आती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हो चुका है। वाओ बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है, बिल्कुल बढ़िया से फ्रीज हो गया है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। पीसेस काटने के लिए सेंटर में से मैं इसे 2 इक्वल हाफ्स में काट लूँगी और फिर प्लेट को घुमाकर हम इसको लंबा लंबा काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें रेक्टेंगल शेप में इसे काटना है। ये देखिए इस तरीके से हम सारे फिंगर्स को काट के इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस पे। फ्राई करने के लिए हम इसे पहले तैयार करेंगे। पहले हमने जो घोल बना के तैयार किया था इसको उसमें लपेटेंगे, फिर हम एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लेंगे और उसे इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। और इसमें कहीं से भी ऑयल भी नहीं भरेगा क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं, तो अगर कुछ क्रैक्स होंगे तो वो भी इससे फिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे वेज फिंगर्स रेडी करेंगे, मैदे के घोल में डालेंगे और ऊपर से ब्रेड क्रम्स चढ़ा देंगे। देखिए एक हाथ से घोल में डालिए, एक हाथ से ब्रेड क्रम्स चढ़ाइए, आपका सारा काम फटाफट हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से हम इसको सेट कर पाए हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था। इस जब हमारा तेल जो है बहुत अच्छा गर्म हो जाए तब हम उसमें सारे वेज फिंगर्स जो हमने इस तरीके से रेडी किए थे वो डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कहीं से भी टूटे नहीं हैं, बहुत बढ़िया फ्रीज हुए थे, बहुत बढ़िया सेट हुए थे और अब बहुत ही बढ़िया उस पर ब्रेड क्रम्स चढ़े हैं और बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो गए हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया कलर आया है। वाओ देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा, मैं इसे फटाफट खाना चाहती हूँ। बस फटाफट निकालते हैं और इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ, आप चाहें तो शेजवान चटनी, टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी किसी के साथ भी परोस सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।